क्या मैं नहीं ले सकता भैया प्लीज सर, मैंने आपकी वाइफ को देखा नहीं नहीं यार मुझे नहीं चाहिए यार काली पीली नीली हरी जैसी वाइफ आपके ऊपर बढ़िया लगी। अरे भाई चाहिए ही नहीं यार प्लीज प्लीज पीछे छोड़ो यार सर हमें पहन के सर वैसे लगेगी। स्ट्रांग विद यू व्हाट्स रॉन्ग विद यू कपड़ा ही लोगे सर ऐसे लगेगी। तो कल जनाब आपने देखा कि हमने बहुत बेहतरीन पीयूष मिश्रा साहब का शो देखा और जिसे देखकर लौटते वक्त हमारे कैमरे की बैटरी चली गई। तो अब जो आगे की व्लॉगिंग है हमें गोप्रो से करनी पड़ी। गोप्रो से व्लॉग शूट करने शुरू कर चुके हैं। यार वो लड़की कहाँ गई थी? वो बीच में चली गई थी ना? कौन सी? एक और तो तुम्हारे साथ आई थी। वो तो रोती, वो दो बार रोई है पता है? क्यों? वो गाने सुन के रोती। तो इमोशनल होने के चक्कर में चली गई ना? नहीं, वो ज्यादा बड़ी फैन थी उनकी। हम घर वापस जा रहे हैं, एग्जिट ले लिया। अरे क्या हो गया? तो फाइनली हम पहुंच गए मयूर विहार। ये रहा मदर डेयरी। वो है मिष्टी दोई। मिष्टी दोई अभी तो आइसक्रीम। अरे आइसक्रीम ओनली। चलो ठीक है ठीक है। देखिए हम आए हैं मयूर विहार के सोम बाजार में। अरे यहाँ देखना, यहाँ लाइट नहीं है पर यहाँ चीजें मिल रही। कितने के टेबल टू जो रखा हाथ में घुस जाएगा। अरे इसके ऊपर मैट लगाएंगे कुछ आएंगे। चलो भाई हमने ये टेबल ले लिया यहाँ से। मैं मीनू को बोल के भी आया था कि ये टेबल लिया हमारे। एक बार सर पर रखियो टेबल। ये देखो भैया कितने का दे रहे? 150 का दे रहा। साढ़े 400 लगा लो। एक पैसा कम दे दो भाई। लगा ले 450। निकल जाए यहाँ से। रस्सी क्यों ले रहा तू? कपड़े सुखाने के लिए ले रहा ना रस्सी? ना तू कपड़े धोता ना तू खाना बना। तू शादी कर ले भाई। तेरे तो कल्याणी ने खाना बना रखा होगा ना? हाँ मुझे खाना खाना फिर रूम में भी जाना। कह रहा तेरी वाइफ ने खाना बना रखा होगा ना? यार मैं तो घर जाके आराम से दाल चावल दही अचार। शादी की परिभाषा मेरे लिए कुछ और ही थी एक जमाने में कि आप अपने पार्टनर मतलब समझ रहे हैं आप अपने बेटर हाफ से मिलते हो। हाँ, आप जिंदगी का सुख दुख उसके साथ बिताते हो। हाँ, शादी की परिभाषा यही थी मेरी लाइफ में। हाँ, अब मेरी लाइफ में परिभाषा शादी की है कि खाना मिल जाता है घर में बना बना। चौधरी की सबसे बड़ी दिक्कत ये कि खाना जो है खुद बनाना पड़ता है। वो भी नहीं बनाता है बंदा कई बार बाहर से ही मंगाता है। खाना बना के दे दे तो जो चाहिए मैं ला दूंगा। और चौधरी यहाँ खाना पैक करा रहा है। चल चौधरी मैं जा रहा हूँ। कैमरा दोनों तरफ बढ़िया कैमरा। हाँ फर्स्ट क्लास। ठीक है बाय बाय। चल ठीक है ठीक है कल मिलते हैं। कुछ करना है ना इसमें ही उधर की साइड देख। डीजे मतलब सॉरी ये क्या गोप्रो के रेड बटन पे चाल दी है। ये कब किया तूने? आराम से आराम से। और मुझे कह रही है कि टेबल की तरह ऐसे कर तेरी फोटो खींच लूंगी। अरे मजा आ गया। टेबल तो छोड़ो टेबल भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू यार। हाँ यार सच में पहले पहले थूक रहे हैं मुंह में। पता नहीं कितने दिन बाद खा रहा हूँ। इमोशनल मोमेंट हो जाएगा यार ये तो बहुत टेस्टी है सच में। हद हद। थैंक यू यार। नो प्रॉब्लम। हे बहुत टेस्टी। तुम भी खाओ। मैंने भी खाया। मेरे लिए वेट कर रहे तो देर हो गई थी ना। मैं सोच ही रहा था क्या फाइनल में चौधरी को बोल गई है यार। यार मैं जा रहा हूँ यार वो वेट कर रही है बहुत टाइम हो गया। चौधरी ये बोल भी रहा था कि शादी के यही फायदे हैं। मुझे यही लगता है कि खाना मिल जाता है कह रहा। अरे हद टेस्टी है यार ये सच में। नमस्कार स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। यू आर वाचिंग प्रियांक आर्या। ठंड ने भैया समा बांध दिया है आज। ठंड है सो के उठे हैं अभी अभी मीनू चली गई ऑफिस। पानी लगाया है गर्म करने को क्योंकि नहाएंगे जैसा कि आपको पता है कल मैं नहीं नहा पाया। जब मेरे सर पे मीनू ने पता नहीं क्या अनियन कुछ लगाया है
तो वो धोना भी था, बट मैं कल चला गया पीयूष मिश्रा का शो देखने के लिए। मीनू ने बोला खाना खाते देर हो गई है, तुमने डिनर में भी लेट कर दिया और अब तुम नहाओगे। ये बात सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं नहाना स्किप कर सकता हूँ, तो मैं अब नहाऊंगा। रोज़ की यही कहानी यार, मैं अकेला रह जाता हूँ घर पे। वैसे वो जो दही बड़े बनाए थे मीनू ने बचे हुए, अब मैं कैसे बताऊँ, मैंने उठते ही खा लिए, इतने टेस्टी लगे मेरे को। मैंने व्लॉग भी नहीं किया, मैं खा लिए बस, सॉरी। अरे पानी तुम भर चुके हो, ज़्यादा भर गए तुम। चलो पानी लगा दिया है। मैं थोड़ा डेकोरेटिव मामला सोच मत कर। एक तो एक लेडी है जो दूसरे तरफ चिल्लाती है और वो पता नहीं कौन सी भाषा बोलती है, तो वो कैसे बात करती है सुना? हत्ता। अभी ठंड के चक्कर में मैंने जैकेट पहन रखी है, नहीं तो टी शर्ट्स में आ गया था मैं 5-6 दिन से। मैं थोड़ा डेकोरेटिव मामला सोच रहा हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कमरे को डेकोरेट करना शुरू ही किया जाए कम से कम। मैं बहुत आलसी हूँ, नहीं करता मेरा मन, मेरा मन ब्लॉग करने का भी नहीं करता। इवन मेरे को कहलाना भी पसंद नहीं है, तुमको मालूम है ना, मुझे पसंद नहीं है कि मुझे कोई कुछ कह दे कि मैं कुछ हूँ, तो मुझे ब्लॉगर कहलाना भी पसंद नहीं है, जबकि मेरे 400 ब्लॉग्स पूरे होने वाले हैं। बट मुझे कोई बोलता है ना ब्लॉगर हो, तो मुझे मतलब चिड़ सी होती है। मैं नहीं हूँ यार, आई एम नथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉल्ड एनीथिंग। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप कारपेंटर हो, तो आपकी करनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि आप उतना ही कर सकते हो बस, उसके बाद आप लाइफ में कुछ और नहीं कर सकते। मैं सब कुछ करना चाहता हूँ यार। आई वॉन्ट टू बी अ पेंटर, आई वॉन्ट टू बी अ कारपेंटर, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ ब्लॉगर, आई वॉन्ट टू बी एवरीथिंग। मतलब रिस्ट्रिक्ट करती है आपको चीज़ें। एज एन आर्टिस्ट समटाइम्स आई फील मैंने कुल्हाड़ी पे पाँव मार दिया व्लॉगिंग चुन के। कभी कभी यू कैन सी मेरी वाइब ही नहीं है व्लॉग करने वाली, मुझे वाइब मतलब मुझे व्लॉग करने का मत, मुझे व्लॉग करने का मन ही नहीं होता है। यही चलता रहता भैया यहाँ दिन भर, जब से ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो। मेरा दिमाग खा लिया है इस बिल्डिंग ने जब से ये बन रही है। घर के बगल में एक बिल्डिंग बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसमें दिन भर यही चलता रहता है। पक चुका हूं मैं सुन सुन के। सुना, चुप हो जा, चलो किचन में बात करेंगे। मेरा व्लॉगिंग करने का मन नहीं होता, मुझे लगता है मैं रिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ खुद को व्लॉग करके, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी थी यार। तो जिसके तुम व्लॉग देख रहे हो, तुम ऐसा मत समझो कि यार ये व्लॉगर है उसके व्लॉग देखते हैं। तुम एक ऐसे बंदे के व्लॉग देख रहे हो जो व्लॉगिंग नहीं करना चाहता था। तो आजकल बड़ा ठंडा सा मामला है, मेरा व्लॉग करने का मन नहीं करता है। इवन दो आई हैव बिजनेसेस, मैं कर सकता हूँ, पर मेरा मन नहीं करता है। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, तो मुझे लगता है जनता को ज़्यादा मज़ा आता है मेरे व्लॉग देखने में, क्योंकि मेरे अंदर एक चिड़ है। मैं हमेशा से क्रिएटिव काम करना चाहता था, मेरे व्लॉग्स भी कहीं कहीं क्रिएटिव होते हैं, बट फिर भी मैं अपनी लाइफ व्लॉग करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइफ को व्लॉग किया जाए। मैं किसी शाम, मैं किसी दिन आराम से पूरा दिन सो सकता हूँ, फिर भी मैं व्लॉगिंग के लिए सारे वो काम निपटाता हूँ जो मैं नहीं करता, पर मैं कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ ये कल के व्लॉग में आ जाएगा, तो इसीलिए आई लाइक टू व्लॉग माई लाइफ समटाइम्स। मुझे पसंद नहीं है कि मैं कहूँ कि यार मैं उठ गया हूँ, मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। व्लॉग करना बहुत ईजी होता है, बहुत टफ है। मुझसे कोई कहता है कि अरे व्लॉगर हो वही करते ना वो, कि सुबह हाँ उठ गया हूँ खा रहा हूँ, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, तू नहीं उठता सुबह, तू खाना नहीं खाता, मैंने दिखा दिया तो क्या दिक्कत है। What matters is आप उसे दिखा कैसे रहे हैं, दर्शा कैसे रहे हैं, इज इट क्रिएटिव, इज इट इंटरेस्टिंग। बट मेरे लिए तो व्लॉगिंग ने काफ़ी हेल्प की है, इसलिए मैं छोड़ भी नहीं पाता हूँ। एक दिन मेरे पास कुछ कहने को नहीं होता है, कुछ करने को नहीं होता है, फिर भी मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ। दैट्स हाउ व्लॉगिंग हेल्प्स यू। तो कभी कभी मन में आता है कि हाँ ये कर लो पहले नहीं नहीं कभी कभी मन में आता है कि व्लॉगिंग तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे इस काबुल बनाया। बहरहाल रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करते हैं। अब शुरू हो रही है जिंदगी मेरी। मेरा टेबल देखो कितना प्यारा लग रहा है। दिस इज आवर टेबल। वाओ, मीनू भी सारे दिन ऑफिस में रहती है। भाई चुप हो जाना थोड़ी देर। बाकी सारी बातें हटाओ, अब तुम्हारी समझ में आ गया ना कि क्या सीन चल रहा है। तो जब तक पानी गर्म होता है थोड़ा सा इसको हिला उडला कर देखते हैं क्या कर सकते हैं। और
कैसा लगा? अब आज का टास्क ये है कि इसको कुछ ऐसा सजा देंगे कि अब ये देखो ये ब्लॉगिंग का ही चुप हो जाए। अब ये देखो हाँ। अब ये देखो ये ब्लॉगिंग का ही खुमार है। कर ले तेरे को चीट करना सीख गया हूं मैं। ये ब्लॉगिंग का ही खुमार है कि मैं कर सकता हूं जो मेरा मन नहीं करता उसको भी करता रहे। वैसे मैं कर फिर भी नहीं पाया जो मुझे करना था। मैं नहा के आता हूं। जो बंदा पूछ रहा था कि आपके हेयर केयर का क्या रूटीन है, यही है। मैं हेयर मास्क लगाता हूँ फिर रात को सो जाता हूँ। नहाता नहीं हूँ, कम से कम डेढ़ दिन बाद नहाता हूँ। नहा के आता हूँ मैं। अब चलते हैं कुछ साज सज्जा का सामान लेके आते हैं। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसको मैंने बोला है कि मिल जाना, आई रही है वो। कितने कांटे तुम्हारे? चलिए जी धन्यवाद। ये है 33। पार्टी ऐसे चल रही पार्टी, कितनी बढ़िया होती है यार मिष्टी दोई। अब हम जा रहे हैं V3S मॉल। ये क्या एंट्रेंस एग्जिट है? एग्जिट है। अरे नहीं भाई, V3S में हम V3S। चौधरी कह रहा है कि हम पहले से ही स्मार्ट हैं, अगर हम अमीर हो गए तो हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। कैसा है ये तो लड़की बैटमैन बन जाएगी ऐसा लग रहा है। और हम लोग सामान ढूंढ रहे हैं घर का। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, यहाँ मैंने प्रेस ले लिया एक। मैं सोच रहा हूँ मीनू के लिए कुछ ले लूँ, पर ये अच्छा नहीं है यार, ये नीचे से अच्छा नहीं है यार। ये नीचे ऐसा ऐसा कैसे होता है नीचे से? ये क्या है ये? जरा पहन के आइए इसको। छोड़ यार इसको, वापस रख इसकी ना, ऐसा मत समझना कि वैलेंटाइन के चक्कर में ले जा रहा हूँ। चौधरी कह रहा है किसी लड़की से पूछ लेते कि क्या लेना है। फिर एक लड़की दिखी हमको तो कह रहा है उसके खुद के कपड़े देख कितने खराब है। हाँ आंटी से पूछ। ना 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 आंटी देख रहे कितनी खतरनाक है। ले चले इसको, इसको मंडा मेरे पास। बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई ये। अच्छा किया ना हमने प्रेस भी ले लिया और कपड़ा भी ले लिया है ना। मेरे घर में रोटियां लेके सर। क्या है? मेरे घर में रोटियां लेके सर प्लीज। मैं नहीं ले सकता भैया प्लीज सर। मैंने आपकी वाइफ को देखा नहीं, मुझे पता है कि वाइफ बहुत बड़ी लगेगी। नहीं यार मुझे नहीं चाहिए यार, काली पीली नीली हरी जैसी वाइफ आपकी होगी सर, बढ़िया लगेगी। अरे भाई चाहिए ही नहीं यार, प्लीज प्लीज पीछे छोड़ो यार। सर हरे पहन के सर ऐसे लगेगी। स्ट्रांग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कपड़ा ही लोगे सर ऐसे लगेंगे। कैसे बात करूंगा जो लगाने लग जाएगा। चलो कर ली हमने शॉपिंग, अब हम जा रहे हैं बाहर। चल ठीक है, थैंक यू, बाय। मॉल में ही लेट हो गई सारी, और यार वो सामान नहीं मिल पाया जो मैं लेने आया था। प्रेस को प्रेस तो अच्छी लगी तेरे को, क्यूट है। ऐसी तो देखी थी हमने वहां फरीदाबाद में है ना। है ये कलर था तेरे पास? नहीं था ना। हाउ डू यू फाइंड इट? बहुत सिंपल सोवर है, हमने बहुत सारी देखी थी वहां पर, चटकीली सी जिनकी नीचे से झालर निकल रही थी। तेरे पसंद नहीं आई क्या? ठीक है। चौधरी देख ले, नाइस ना, ठीक है। कह रही मुझ पे तो अच्छा ही लगेगा सब कुछ। अरे यार, अरे यार, हम लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? वो इतना स्वीट है यार ये। थैंक यू। इनसे खुशबू नहीं आ रही? अरे मेरी नाक बंद है, दही बड़े बचे हुए हैं यार। यार कितना तो अच्छा लग रहा है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो तेरे को पसंद नहीं आया ना खास? अच्छा है भाई। यार बाना तूने कितने खाए थे, पर ये देख इनने एक दही बड़ा बचा रखा है बस मेरे लिए। तूने खा तो लिए थे सुबह से? सुबह भी खाए थे पर। कितने खाए थे? चार। बट ये दही बड़ा तो जान है यार सच में। बहुत टेस्टी। चलिए भाई ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग्स पसंद आते हैं लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन है वो दबाइए, उसके अलग मजे, गारंटेड फन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए क्योंकि रोज ब्लॉग्स आते हैं।